भाई लोग, अभी तक आपने हमारे चैनल पे कैसेट हब से रिलेटेड वीडियोस काफी कम देखा होगा, या फिर देखा भी होगा तो नॉर्मल शिमानो वगैरह का या फिर नॉर्मल वगैरह हब्स को हम लोगों ने दिखाया है। लेकिन अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं स्टंट वाले हब्स के तरफ, तो तैयार हो जाइए आप लोग। काफी अलग अलग वैरायटी के, काफी अलग अलग साउंड निकलने वाले हब्स को देखने के लिए, क्योंकि अब हम लोग रेगुलर स्टार्ट करेंगे। पूरा एक हम लोग एक सोचे कि सीरीज बनाएंगे जिसमें हर प्रकार के कैसेट हब्स को आपको दिखाएंगे। बहुत लोग कह रहे थे कि उन्हें रेनबो वाला पसंद है, कुछ को नोवा टेक पसंद है, किसी को ARC पसंद है, और भी बहुत सारा कंट्रोल टेक का भी आता, मतलब बहुत सारा कैसेट हब आता है। मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि कैसेट हब के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि कैसेट हब से भी रिलेटेड वीडियोस बनाइए, तो चलिए फाइनली वो वाला टाइम आ गया। एक सीरीज हम लोग बनाएंगे जिसमें पूरा स्टंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा साउंड करने वाले कैसेट हब को दिखाते हैं, तो ये इसका पहला पार्ट होगा। तो आज जो हम लोग दिखाएंगे, ये देखिए मेरे पास कैसेट हब है, काफी बढ़िया रहेगा। चलिए आज बॉक्स को ओपन करेंगे और इस बॉक्स के अंदर कैसा कैसेट हब है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए भाई लोग, सुंदर सा ब्राउन कलर का बॉक्स है, कंपनी के नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पीछे से भी लिखा हुआ है, और ये देखिए बिल्कुल प्योर ब्राउन बॉक्स है। तो चलिए इसको खोलकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ से खोलेंगे और इसका कलर देखिएगा भाई लोग एक बार, ये देखिए भाई कितना प्यारा खूबसूरत, एकदम सिंपल लग रहा है। और देखिए उठा, अरे एकदम लाइट वेट है ये वाला जो कैसेट हब है, एकदम लाइट वेट है। आपको मैं भी बोलिएगा तो मेजर करके भी नेक्स्ट वाली वीडियो में बता देंगे इसका वेट, एकदम लाइट वेट है, छोटा सा। सबसे प्यारा जानते हैं क्या लगेगा इसमें, ये देखिए इसका कलर देखिए आप, एकदम वह पेट्रोल फिनिश, एकदम रेनबो कलर का है, काफी बढ़िया लगेगा यहाँ पर आपको, ये देखिए। इसमें दोनों आता है, 36 भी आता है और 32 होल्स वाला भी आता है, यानी हर प्रकार के रिम में आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। दिख रहा होगा बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्विक रिलीज लगाने वाला एक्सल के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, काफ़ी लाइट वेट और अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल कंपनी की ब्रांडिंग भी की गई है। और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट वही है, दूसरा वाला है ये, काफ़ी एकदम मैजिकल है ये। अब इसका साउंड आपको सुनाएंगे तब आप एक, मतलब एक तरीके से आपको बहुत ही एकदम दीवाने हो जाइएगा ये वाला हब का। तो चलिए देखिए, हब तो दिख रहा होगा कैसा, चलिए और थोड़ा सा और हम करीब से आपको दिखाते हैं। इस साइड में देख सकते हैं बोल्ट दिया गया है, रोटर आपको लगाना पड़ेगा, सेंटर लाइन वाला नहीं लगेगा, 6 वोल्ट वाला रोटर लगेगा। और देखिए बॉक्स में और क्या क्या चीज़ मिलता है, आपको QR मिल जाता है, यानी क्विक रिलीज़। ये देखिए क्विक रिलीज पर भी देखिए पूरा ब्रांडिंग वगैरह अच्छा से किया हुआ यहाँ पे देखिए, बिल्कुल और अच्छी हेवी क्वालिटी का, मतलब देखा जाए तो। दूसरा ये रहा आपका पीछे की साइड वाला, ये देखिए यानी रेयर वाला है ये, यहाँ पे देखिए। चलिए अब इसके आवाज़ को हम लोग सुनते हैं, अब देखिए देखिए अभी न्यू में ही इतना ज़्यादा, मतलब कि ये साउंड कर रहा है अभी, लिटरली हम आपको बताते हैं, ये देखिए काफ़ी बढ़िया, और मुझे तो काफ़ी बढ़िया प्यारा लग रहा है। ये देखिए दोनों हाथ में भी रख के दिखाते हैं आपको, कितना प्यारा छोटा सा है, खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें जैसे ही हम लोग कैसेट को लगाएंगे और उसके बाद जो इसका साउंड आएगा ना यार, ये देखिए जैसे ही जैसे कैसेट पुराना होता है कैसेट हब, उसे ही इसका जो साउंड है वो इंक्रीज़ होने लगता है, और भी ज़्यादा ये इंक्रीज़ होगा पुराना होने के बाद। अब इस कैसेट हब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ऊपर ऊपर तो आप लोगों ने देखा कि कलर कैसा है, अब इसके हम लोग बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि कौन सा है जो साइकिल में इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम बताते हैं भाई, ऐसा साइकिल जो आप लोग मतलब स्टंट वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई नॉर्मल राइड करते हैं उन लोगों के लिए मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसका प्राइस भी काफी ज्यादा है। और इसका ओरिजिन हम लोग बता देते हैं कि कहां से आया है, तो मैंने इसे यार बांग्लादेश से मंगाया, मतलब ये इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। आप लोगों को पता होगा इंडिया में इस तरीके का, मतलब इस तरीके का हब वगैरह नहीं मिलता है, काफी प्रॉब्लम हुआ था, बांग्लादेश से मैंने इसे मंगवाया है। बाकी क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है, जहां तक आप लोगों को भी पता होगा क्वालिटी वगैरह काफी ज्यादा इसका अच्छा रहता है, और आप लोग भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर स्टंट वाला साइकिल बिल्ड कर रहे हैं या फिर स्टंट राइडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए काफी बेस्ट रहने वाला है। कैसेट हब में देखा जाता है सबसे पहला तो
उसका होता है ड्यूरेबिलिटी, भाई लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, एक बार लगाने के बाद ख़राब ना हो। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो आता है इसका साउंड, उसके बाद ही थर्ड कोई होता है जो कलर देखता है। काफ़ी कलर के अकॉर्डिंग भी देखिएगा तो काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। और साउंड तो इसका बेस्ट है। और कैसेट हब में देखा जाता है कि जैसे जैसे पुराना होते जाता है उसका साउंड थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज़ और थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। अभी नया है तो थोड़ा सा इसका क्रिप्सी साउंड है, बाकी थोड़ा सा पुराना होगा और भी ज़्यादा मीठा और बढ़िया स्वीट एकदम आवाज़ आएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी आप इसे परचेज कर सकते हैं, हमारी डू इन मिनट्स की एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर। सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाकर डू इन मिनट्स लिखेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, वहाँ पर भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर, या व्हाट्सअप नंबर है या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी इंडिया में अवेलेबल है, मैंने तो इसे बांग्लादेश से मंगवाया है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आई होप आपको अगर पसंद आई हो तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अभी सपोर्ट का ज़रूरत है। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी हम लोग हो पाएगा कि लेटेस्ट वीडियोज़ और लेटेस्ट साइकिल के एसेसरीज़ को आप लोगों को दिखा पाएंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी हैंडल है हमारा डू इन मिनट्स के नाम पर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।